एक्स माइनस वन को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे अगर हमारा इस पे कितने टर्म होगा, तो अगर दो बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो एक बार एक्स का पावर स्क्वायर में आएगा, एक बार एक्स का पावर वन में आएगा और एक बार एक्स का पावर जीरो में आएगा। तो अगर एक्स माइनस वन को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तीन टर्म बनेंगे तुम्हारे। अगर एक्स माइनस वन को तीन बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चार टर्म बनेंगे। एक बार एक्स पे पावर क्यूब आएगा, एक्स पे पावर एक एक्स आएगा और एक्स पे पावर जीरो आएगा। ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को? तो कभी तुमसे अचानक से पूछा अच्छा, कि एक्स माइनस वन का पावर फाइव अगर इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कितने टर्म्स होंगे, तो सिक्स तुम नहीं, बोलोगे मैक्सिमम सिक्स टर्म्स होंगे। इस केस में तो सिक्स टर्म होगा ही होगा, ठीक है? तो अब उन टर्म्स को कैसे लिखा जाए ये मैं जानना चाहता हूँ। तो हम अगर मान लो कि एक्स माइनस फाइव वन को पांच बार अगर हम कर लें, तो तुम्हें तो पता है ना कि ये जो है सारे मल्टीप्लाई होते हैं सबसे, है ना? जैसे ये एक्स है तो ये इससे 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 मल्टीप्लाई होगा, तब तुम्हारा एक्स पे पावर फाइव बनेगा, ठीक है? ये बात समझ आ रही है? हाँ अब नेक्स्ट टर्म जो मेरा बनना है वो एक्स पे पावर फोर से बनना है। एक्स पे पावर फोर बनने के लिए चार बार एक्स मल्टीप्लाई होगा और एक बार माइनस वन मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझ चार में आ रही है? बार अगर हमें एक्स पे पावर फोर का टर्म चाहिए, एक्स पे पावर फोर का टर्म चाहिए, चार तो एक्स होना हाँ चार बार एक्स मल्टीप्लाई होगा और एक बचा हुआ माइनस वन मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे अच्छा, ऐसे जो डबल ये, कॉम्बिनेशन। हाँ जैसे ये चार एक्स मैंने लिया है, तो हम ये भी तो चार एक्स ले सकते थे इधर वाले। हाँ, फाइव सी फोर सर। तो कितने तरीके से चार एक्स ले सकते हैं आउट ऑफ दिस फाइव एक्स? फाइव सी फोर फाइव तरीके से, सी फोर। और माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन आ गया और ये एक्स पे पावर फोर हो गया, ठीक है? अब मान लो कि तीन बार एक्स लेना है, तो तीन बार एक्स लेना है तो तीन बार एक्स लेंगे और दो बार माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो तीन बार अगर एक्स लेते हो तो तीन बार एक्स लेने का मतलब हुआ कि एक्स क्यूब, और दो बार माइनस वन मल्टीप्लाई होने का मतलब पॉजिटिव हो गया। तो ये फाइव सी थ्री, पांच में से तीन बार एक्स लिया इनटू 5C2, और एक्स क्यूब, ठीक है? पॉजिटिव वो वाला बताना सर एक बार, पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि हमने तीन बार एक्स लिया तो दो बार हाँ माइनस वन मल्टीप्लाई हुआ, तो मल्टीप्लाई अच्छा, होकर हाँ पॉजिटिव हो पॉजिटिव गया। हो गया। तो अगर मैं इसको अलग से एक्स स्क्वायर वाला लें, तो दो बार एक्स मल्टीप्लाई होगा, तीन बार माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर के कितने पेयर बन सकते हैं? फाइव सी टू। तो और तीन बार माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस में ही रह जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? और अगर हम फिर एक्स ले, एक बार एक्स ले, एक बार एक्स पांच मल्टीप्लाई हो मेरा, तरीके ठीक है? और उसको लिखेंगे हम फाइव सी वन, और एक बार एक चार बार माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा, और लास्ट वाला जो है माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, पांच माइनस बार वन हो मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा। माइनस वन हो जाएगा। तो हम इसको एक बार में इस मल्टीप्लिकेशन को लिख सकते हैं, ठीक है? इस पे मतलब आज मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पे करेंगे हम बाद में भी काम थोड़ा, लेकिन अभी बस तुम्हें एक एक नॉर्मल आइडिया के लिए बता दिया कि अगर अगर आपको कभी दिया रहे ना, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा टर्म क्या होगा। जैसे एक्स माइनस वन पे सेवन हम कर दिए, ठीक है? और ये भी देखो ये बहुत अच्छा पैटर्न बन जाता है, अगर एक बार ये प्लस है ना तो ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा होता जाएगा। तो एक्स हाँ माइनस वन का कर दिया, और यही प्लस होता, एक्स प्लस वन पे पावर फाइव होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, सारा प्लस वन में होता। तो एक्स माइनस वन का पावर सेवन है, तो हमारा पहला टर्म बनेगा एक्स पे पावर सेवन, और ये चूंकि पॉजिटिव है तो सेकेंड टर्म निगेटिव बनेगी, सेवन ठीक सी सिक्स एक्स पे पावर सिक्स। फिर प्लस में कर लो, सेवन सी फाइव, फाइव फिर एक्स पे पावर फाइव। फिर सिक्स माइनस में कर लो, सेवन सी फोर एक्स पे पावर फोर। सिक्स
फिर 7c3 x क्यूब फिर प्लस में 7c2 x स्क्वायर फिर माइनस में 7c1 x और फिर उसके बाद लास्ट में 7 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ ही जाएगा, सॉरी माइनस में आ ही जाएगा। डाउट था वो क्लियर कर दो जरा, इसमें आपने जब वो 5c3 चलो इसी में अगर वो किया तो उसके साथ जैसे 2 - 1 मल्टीप्लाई होना उनके भी तो सिलेक्शन के तरीके हो सकते हैं ना कि कौन से वाले माइनस वन ले, तो क्योंकि सारी माइनस वन है इसलिए फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं दो तो फिक्स है ना, जैसे मान लो ये x माइनस वन 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 है ठीक है, तो मगर 3x ले रहे हो तो माइनस वन तो फिक्स यही दोनों ले पाओगे ना, इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता ना। हाँ, वरना हम उसको भी तो 5c2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, नहीं कर रहे ना, क्योंकि जब ये 3x ले रहे हो तो तुम्हारे पास बची गई है, तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। सर 4 एंड 5 दोनों में आपने नेगेटिव दिया है, 4 एंड 3 मतलब, अच्छा तो गलती कर दिया ना। हाँ। तो ये तुम लोग सही टाइम पे टोकते नहीं हो, हद हाल है। वही मैं लास्ट में बोल रहा था कि लास्ट में माइनस वन कैसे आ रहा है, तो 4 में नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा और फिर माइनस वन बच जाएगा लास्ट में माइनस वन। तो जो मैंने मल्टीप्लाई किया था जैसे x माइनस वन को 3 बार में मल्टीप्लाई किया था ना, जैसे मैंने क्या किया था एक मिनट अगर अलग अलग नंबर है जैसे माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री है ना, तो इस केस में क्या होगा, इसमें अगर 3 बार है तो मैंने इस एक ही बार में ऐसे कर दिया कि ये तीनों एक्स तो एक बार में आएगा ठीक है, तो एक्स क्यूब हो गया। अब अगर हम एक्स स्क्वायर का टर्म लें तो ये दोनों लेंगे तो माइनस थ्री बचेगा ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम x स्क्वायर का टर्म ले रहे हैं तो ये दोनों x लेंगे तो माइनस थ्री बचेगा, ये दोनों x लेंगे तो माइनस वन बचेगा, ये दोनों x लेंगे तो माइनस टू बचेगा, और ये सब जुट मतलब एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जोड़ के क्या आ रहा है माइनस सिक्स x स्क्वायर। अब अगर मुझे x लेना है जैसे अगर ये x लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस टू इंटू माइनस थ्री कितना होता है प्लस सिक्स, तो एक एक बार पेयर में मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो ये 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा, 1 × 3 करेंगे तो 3 आएगा, और -2 × -3 मतलब 2 × 3 करेंगे तो 6, तो 1 + 3 + 6 विच इज 10, तो ये हमारा आ जाएगा 10x, और लास्ट वाले में तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस में 6, तो इसको आप एक बार में भी इसको एडिशन मतलब मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं हुआ, ट्रिक नहीं हुआ, बट यू नो व्हाट इज बीइंग डन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ। तो एक क्वेश्चन मुझे बताओ, अगर तुम इतना समझे हो तो, कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि x माइनस वन टू द पावर 11 है और इसको एक्सपेंड किया गया तो x पे पावर 5 का मल्टीप्लायर क्या होगा, बोलो तो। पॉजिटिव होगा, नहीं पॉजिटिव नहीं होगा ना, क्योंकि अगर x 5 ये 11 है तो बेसिकली ये क्या हुआ x माइनस वन x माइनस वन x माइनस वन 11 टाइम्स लिखोगे, अब उसमें 5 टाइम्स x लेना है तो 6 टाइम्स, हाँ पॉजिटिव होगा, सही कहा था तुमने, 6 टाइम माइनस वन बच जाएगा ठीक है, तो 6 टाइम माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तब तो 1 होगा, लेकिन जो 5 टाइम x जो लेना है हमें कितने तरीके से ले सकते हैं, 11c5 तरीके से, 11c5 x टू द पावर 5 इनटू प्लस 1, तो ये प्लस में साइन आएगा तो ये हमारा मल्टीप्लायर है एग्जैक्टली प्लस में 11c5। हाँ ये तो अभी इसके लिए क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर ऑफ पावर्स है, अगर x 12 पे
पावर 12 रहता, और तब कोई पूछता कि x पे पावर 5 का बताओ, तो हम पहले तो 12c5 लेते हैं, है ना, और ये माइनस में बच जाएगा क्योंकि 7 टाइम माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा इसका मल्टीप्लायर ये आता माइनस, तो ये मल्टीप्लायर भी तुम काउंट कर सकते हो, ठीक है। वो वाला कौन सा बताया था अपने भी ऊपर, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस वाला तो बताया था, वो मैंने ऐसे बताया था कि जो ऊपर हमने किया था ना, कि अगर ए बी सी अलग भी है छोटे मल्टीप्लिकेशन में, है ना, तो हमको पता है कि पैटर्न कैसे बनता है, या बड़े मल्टीप्लिकेशन में ले लो जैसे डी तक है, चार बार है, तो हमको पता है कि अगर हम पहली बार उठाएंगे तो एक्स टू द पावर 4 बचेगा, ठीक है, थर्ड 3x का उठाएंगे तो 3x में क्या होगा, 3x सेलेक्ट करेंगे तो एक बच जाएगा तुम्हारा माइनस डी, तो एक बार माइनस डी बचेगा, एक बार माइनस ए, एक बार माइनस बी, एक बार माइनस सी, तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो माइनस में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और एक्स क्यूब ऐसा हो जाएगा। अच्छा ना, मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस डी, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस सी, x into x into x minus b, तो जब minus common लेके ये सबको add कर दिया, अब plus 2 मतलब 2x वाला देखा जाए, तो x square लेंगे तो एक बार c into d बचेगा, एक बार a into b बचेगा, एक बार b into c बचेगा, तो उसको ये सारे positive में होंगे, तो हमने ऐसे लिख दिया a b b c c d सारे pair लिख दो, a c a d b d, है ना, सारे हो गए ना, छह बन गए ना, चार फोर टू, तो ये तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा बचा, फिर हमारा एक एक्स लेंगे तो माइनस ए बी सी बच जाएगा, मतलब माइनस बी सी, माइनस में ले लेंगे तो ए बी सी माइनस बी सी डी ऐसे सारे हो जाएंगे और एक्स, और लास्ट में हमारा क्या बचेगा, माइनस बाहर लेके अंदर तो प्लस होंगे, हाँ अंदर प्लस होगा, ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस जितने भी इससे बन गए, मतलब 4c3 और फोर तरीके से, हाँ चार तरीका बन जाएगा, चारों लिख ही दो ना, हाँ ए बी सी ए बी डी बी सी डी ए सी डी बस, और लास्ट वाला जो होगा ए माइनस बी माइनस सी, तो ये प्लस में ए बी सी डी बन जाएगा, तो ये समझ लो कि ऐसा होता है, है ना, इसी को लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अगर चार रूट्स हैं, है ना, अगर मान लो इसको जीरो करके देखा जाए तो चार रूट्स हैं, तो जो एक्स क्यूब का मल्टीप्लायर है वो चारों रूट का सम है नेगेटिव में, अगर 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 ऐसे है ना कि चार रूट्स वाला इक्वेशन है, मान लो ये चार रूट का इक्वेशन है ना, तो एक्स क्यूब का जो मल्टीप्लायर होता है वो चारों रूट का सम होता है नेगेटिव में, है ना, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर होगा वो पेयर में मल्टीप्लाई करके सबका सम, और एक्स का जो मल्टीप्लायर होगा वो तीन के पेयर में मल्टीप्लाई करके सम, ठीक है, और जो जो लास्ट वाला टर्म होगा कांस्टेंट टर्म होगा वो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट, हाँ रूट्स का प्रोडक्ट, तो ऐसे भी कई बार विजुलाइज करता है लोग, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो अब तुम लोग क्या करो ना कि कल जो है कल से अब बहुत सारे डाउट्स लेके रखो अलजेब्रा का, हम कुछ दिन केवल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है अलजेब्रा में, ठीक है, एवरीथिंग दैट कुड हैव बीन डन, और एक फंक्शन की एक्सरसाइज है जिसमें अलजेब्रा बेसिकली यूज नहीं होता है, लेकिन उसको अलजेब्रा में ही पढ़ते हैं, नॉर्मल फंक्शन, वो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होता है, दैट इज नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, तो वो बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है।